आपका। तो आज हम फिल्म करीब CRI 3 टोकन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे यूट्यूब में और सारे के सारे वीडियो इसकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तारीफ की भाई। कि ये सोच लो कि ये बहुत ही अच्छा टोकन है ये बोल रहे हैं। बट हम अपने हिसाब से देखेंगे आज की कंडीशन के हिसाब से। क्या पता जब और लोगों ने इसका वीडियो बनाया था, जब बहुत अच्छी इसकी हाइप हो, बहुत अच्छा लोगों ने इसमें कमाया हो, लेकिन आज की डेट में अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे जिस तरह से हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे दो वेबसाइट है, filmkareeb.io और दूसरी है retrogression.io। तो दो वेबसाइट हैं, इसके ऊपर एक retrogression.io, ये तो चल नहीं रही है, ये बंद है। और जो फिल्म करीब है वो देख लेते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट बनी हुई है और काफ़ी लोग ये वेबसाइट देखकर ये सोचते हैं ये टोकन पता नहीं कहाँ चला जाएगा। दोस्तों, टोकन कहीं पे भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब वेबसाइट में काफ़ी चीज़ें देखने वाली होती है। कि नंबर एक, इस वेबसाइट में ये मेंशन किया गया है कि ये टोकन इनका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ इसमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, क्योंकि मैंने वेबसाइट को अच्छी तरह देखा, इसमें कहीं भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ये टोकन इनका है। हालांकि ये हो सकता है कि इनका टोकन हो और इन्होंने मेंशन ना किया हो और उसका रीजन कुछ होना चाहिए कि भाई मेंशन नहीं किया हुआ। और ये वेबसाइट, वैसे काफी लोग इसको नेटफ्लिक्स के साथ कंपेयर करते हैं कि क्रिप्टो का नेटफ्लिक्स हो सकता है फ्यूचर में। देखो, फ्यूचर में कोई भी कुछ भी हो सकता है। किसी वेबसाइट का अगर आप टोकन या किसी प्रोजेक्ट का टोकन लेते हो तो उसके बारे में मेंशन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। काफी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, अगर मैं अभी भी यूट्यूब के ऊपर देखूं तो 2 महीने पहले भी पॉजिटिव इसका वीडियो बनाया है काफी लोगों ने। या अगर हम कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर जाएं तो दोस्तों हमें कॉन्टैक्ट डिटेल भी नहीं मिलती इसकी। बस ये है कि फॉर्म भरो और वो अपने आप से कॉन्टैक्ट करेंगे। कंट्री भी मेंशन नहीं की किस कंट्री से रिलेटेड है और क्या है क्या नहीं है। एनीवे, कुछ रीजन रहे होंगे इस वेबसाइट के इन्होंने मेंशन नहीं किया। मैंने बहुत सारे इसके जो वीडियोस प्ले करके देखे वो प्ले नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ दाल में कुछ काला है। क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने इसकी जो इसके बारे में मेरे से पूछ लिया है कि फिल्म करीब का टोकन, क्या ये टोकन नेक्स्ट नेटफ्लिक्स हो सकता है। तो उसके बारे में मैंने कुछ जानने की कोशिश की, तो दो वेबसाइट इसकी मिली, एक फिल्म करीब, एक रिट्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स का जो सोच रहे हैं कि क्रिप्टो का नेटफ्लिक्स हो सकता है, उसके लिए इसको बहुत बड़े बड़े काम करने होंगे। और इसका कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं है कि इसने किया हो और कोई भी मार्केटिंग पे कुछ ऐसा पैसा नहीं खर्च करेगा। बस हाँ, 6 7 8 10 15 वीडियो इसमें यूट्यूब में जरूर मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। फिल्म करीब का जो ट्विटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ प्रॉब्लम हो गई अकाउंट में और अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोचा है। मतलब एक प्रॉब्लम हमें दिख गई इसकी वेबसाइट के ऊपर, दूसरी प्रॉब्लम हमें दिख गई इसके ट्विटर के ऊपर। अब इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं थोड़ा बहुत, अगर समझ में आ रहा है तो। एक काम करते हैं, क्यों ना इसके टेलीग्राम में जाया जाए। टेलीग्राम में मैंने कल इनसे बात करी थी और मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन करे थे, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ ऐसी दिखाऊंगा जिससे आपको भी इसके ऊपर डाउट हो जाएगा कि क्रिप एक्स जो टोकन इनका आ रहा है, क्या उसमें एंट्री लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, इनका एक नया टोकन भी मार्केट में आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि ये जो टोकन है अभी तक इसने क्या क्या किया है, क्या इसने अपने टोकन की इंटीग्रेशन अपने जो इससे करी है, अपनी जो वेबसाइट से की है। नहीं, बिल्कुल नहीं की। अब इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि पॉलीगॉन के ऊपर हम आ रहे हैं और पॉलीगॉन पे आने के बाद ये जो बाइनांस का टोकन है वो खत्म हो जाएगा और पॉलीगॉन का जो टोकन स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इनसे काफी रीजन पूछे कल की डेट में और वो रीजन इन्होंने क्या कुछ भी बताया नहीं, और प्रेशराइज किया कि
कि यहाँ पे जाके अपने जो टोकन को बदल लो, मतलब आप अपने टोकन को अगर आप बीएससी स्कैन के ऊपर है तो पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर जाके बदल लो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं ये एक चीज ऐसी दिखा रहा हूँ कि आपको भी लगेगा कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो स्कैम करते हैं, और किस तरह से स्कैम करके आपको बिना रीजन बताए आपके जो जो आपके जो मैसेज वगैरह को डिलीट करते हैं। और ये काफी चीजें बहुत सोचने वाली है। देखो वेबसाइट में कितने अच्छे कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं। अब माइग्रेट V2 पे के ऊपर अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, अब मेटामास्क का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम मेटामास्क के ऑप्शन या ट्रस्ट वॉलेट का या किसी भी वॉलेट का ऑप्शन आता है। मेरे पास जो ट्रस्ट वॉलेट तो नहीं है, बट मेरे मेटामास्क है, तो आप इनमें से कोई भी वॉलेट होगा आप चेक कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस देखना है, ठीक है। यहाँ पे है एरर कनेक्टिंग कनेक्ट मैनुअली, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, मैनुअली क्लिक करना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं, मैनुअली। मैनुअली क्यों करना है, कभी भी हमने मैनुअली आज तक नहीं किया, और कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट मैनुअली करने के लिए कभी नहीं कहता। अब इन्होंने कहा है तो भाई मैनुअली भी क्लिक करके देख लेते हैं। यहां पे मैंने क्लिक कर दिया मैनुअली के ऊपर। अब ये क्या मांग रहे हैं, फ्रेज मांग रहे हैं, की स्टोर एंड प्राइवेट की, आपकी प्राइवेट की मांग रहे हैं। जो क्या ये प्राइवेट की इनको मांगनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। मैं सबसे बोलूंगा कि जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो समझ लेना ये प्रोजेक्ट आपसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, और आपके जो वॉलेट में है जितने भी पैसे वो सारे ये Crib3 या इनकी मैनेजमेंट या इनका डेवलपर उड़ा के ले जाएंगे। एक तरीके से आप इनको अपने ताले की बिल्कुल चाबी दे रहे हो। यहाँ पे अगर आपने यहाँ से गलती से लिख दिया आपका की फ्रेज और उसके बाद प्रोसीड कर दिया, तो प्रोसीड करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपके बाइनेंस वॉलेट, आपका इथेरियम वॉलेट, आपका जो जीके सिंक वॉलेट, कहीं पे भी कुछ भी पड़ा है, मून बीम वॉलेट कुछ भी पड़ा हुआ है, कहीं पे भी पड़ा हुआ है, किसी भी ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है, और वो मेटामास्क की किसी भी ब्लॉकचेन में है, मतलब इथेरियम BSC और कहीं पे भी है, वो सारे जो टोकन होंगे वो आपके नहीं रहेंगे, उसके बाद वो सारे टोकन चले जाएंगे इनकी मुट्ठी में। तो दोस्तों कभी भी ऐसा कुछ ऑप्शन आए, मतलब कोई प्राइवेट की मांगे, कोई की स्टोर मांगे या कोई फ्रेज मांगे, फ्रेज मतलब ये जो 12 सीड का फ्रेज होता है, तो कभी भी कोई मांगे तो गलती से यहां पे लिख मत देना। तो इससे ये पता चलता है मतलब कि ये जो टोकन है पूरी तरह से स्कैम है। अभी तक तो मुझे स्कैम लग रहा है, फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, करंट चीजें देखते हैं, करंट में ये लोग क्या कर रहे हैं। अब मैंने इनसे पूछा जब कि ये जो हमारा टोकन है ये इस तरह से जो V3 में कन्वर्शन कर रहे हो, आप अगर करना भी चाहते हो तो BSC वाले को खत्म करके एकदम वोगला टोकन उसको एयर ड्रॉप कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं, कर सीड फ्रेज क्यों मांग रहे हो आप लोग, मतलब इट्स नॉट ए गुड थिंग। मैंने ये बोला क्लियर क्लियर, लेकिन इन्होंने क्या किया है, मेरे को थोड़ा सा मैसेज किया कि व्हाई कांट यू जस्ट माइग्रेट योर BSC स्कैन बी एंड बी ऑन पॉलीगोन, तो क्यों नहीं करते। मतलब मैंने इनसे क्वेश्चन कर रहा हूं, और उसके बदले में मेरे को मैंने इनसे बोला कि भाई बेनिफिट क्या है इस चीज का, बताओ मुझे कि पॉलीगोन का जो BSC के ऊपर भी सस्ती ट्रांजेक्शन होती है, चलो तुम पॉलीगोन के ऊपर कर रहे हो तो भाई सीड फ्रेस क्यों मांग रहे हो, सीड फ्रेस बोला। तो उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि 256 करके एक SHA इकोसिस्टम होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, डोंट वरी आपका फंड कहीं नहीं जाएगा, ये है वो है, इस तरह के एक्सक्यूज देने शुरू कर दिए। आधा तो मैं वहीं पे समझ गया था कि भाई दाल में कुछ काला है। अब धीरे धीरे मुझे ये भी पता चलने लग गया कि इसकी जो ट्विटर है वो भी बंद हुआ पड़ा है, और कोई भी इंटीग्रेशन इनकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, इनके कुछ बहुत सारे वीडियोस चल भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं देखो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हालांकि यहाँ पे 21% ऊपर दिखा रहा है, बट इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, इसमें आप $10 का भी खरीद लोगे। अगर आप वॉल्यूम देखोगे, मार्केट कैप देखोगे, तो 5952 की है। तो ये जो 5952, मतलब कल 4000 की थी, आज 5952 है,
मुझे ये मतलब ऐसा है कि इसके कोई भी $500 का भी खरीद लेगा तो ये ऐसे ही दिखाएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ही नहीं है। और वॉल्यूम है $6 का, देखो वॉल्यूम जो उसको 24 आवर में $6 का वॉल्यूम आया, मतलब किसी ने मतलब बाय और सेल किया है वो भी $6 का। तो मतलब मैटर नहीं करता, बिकॉज ये पॉलीगॉन चेन को छोड़ रहे हैं। अब छोड़ रहे हैं तो एक तरीका होता है दोस्तों छोड़ने का, कि भाई सिंपल है, वो टोकन खत्म कर दे, जिन जिन के पास थे टोकन वो उनको एड्रॉप किया जाएगा। अब एड्रॉप करना तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन एड्रॉप के अंदर अगर उनका सीड फ्रेज कोई भी प्रोजेक्ट मांगता है तो उसके ऊपर डाउट करना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर डाउट करो तो ठीक ठाक भी लगता है, क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि ये जो है ये सीधा सीधा यहां कहीं पे भी क्लिक कर लो, यहां पे भी ट्रस्ट वॉलेट पे भी क्लिक कर लो तो भी ये मैनुअली मांगेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका जो फ्रेज की स्टोर एंड प्राइवेट की मांगेंगे, और अगर आप देते हो तो वहीं पे आप फंस गए हो। तो यहाँ पे लिखो, दुनिया भर की गालियां लिखो और प्रोसीड कर दो, ठीक है? पर कभी भी अपना सीड फ्रेज जो ओरिजिनल वाला मत लिखना, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं। हो सकता है ये पॉलीगॉन के ऊपर आ जाए, हो सकता है 20-30-40% ये आपको प्रॉफिट भी दे दे, लेकिन इनके पास सीड फ्रेज होगा, आपके वॉलेट का एक्सेस होगा, जब चाहे और कब चाहे, दिन चाहे रात चाहे, जब भी इनका मूड आया ये आपके पूरे वॉलेट को साफ कर देंगे और आप देखते रह जाओगे, और ये ना तो इनके पीछे जा पाओगे बिकॉज वेबसाइट के ऊपर कहीं पे रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ भी है रेगुलेशंस के हिसाब से ये जो इस टाइप की कंपनी है वो नेटफ्लिक्स को टक्कर नहीं दे सकती। देखो नेटफ्लिक्स एक रेपुटेड कंपनी है, और अगर आप इस जो फिल्म करीब डॉट आईओ एक वेबसाइट को सोचते हो कि भाई इस पे मूवीज चलती है और ये है वो है फलाना है ढिंगड़ा है, तो मूवीज तो देखो ठीक है मूवीज चलती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट अलाउ करती है कि भाई अपनी मूवी अपने क्रिप्टो टोकन से बेचो, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई जो भी आप अगर बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, उसे इनकम कर रहे हो, तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर सकती। अगर करती भी है तो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ वो कंपनी अगर इस टाइप का फ्रॉड करेगी तो वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगी, ठीक है? मतलब इस टाइप का, जैसे यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट लिखा है तो ये ऐसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट मैनुअली और यहाँ पे सीड फ्रेज मांग रहे हैं, तो यही रीजन है दोस्तों कि सीड फ्रेज वो मांग रहे हैं, इसलिए अपना कॉन्टेक्ट और अपनी डिटेल नहीं दे रहे, बिकॉज अगर एक ऐसी डिटेल दे दी तो वहीं पे ही वो कंपनी बंद हो जाएगी। और ये एज ए प्रूफ है कि भाई ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, छोटी सी कंप्लेन इस वेबसाइट को भी बंद कर देगी। तो इनका जो मकसद है, इनका मकसद ये है कि भाई हम सक्सेस तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर इनका वॉलेट का, लोगों का वॉलेट का एड्रेस हमें मिल जाए तो हो सकता है कि हमारा पैसा बन जाए। तो कुछ कंपनी होती है, देखो बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है कि अपने ऊपर एक ऐसा जबरदस्त अपना जो फ्रंट फ्रेम लगा के आती है, जिससे आपको ये लगता है कि यार ये कंपनी की वेबसाइट है, इसका फ्रंट एंड कितना अच्छा है, तो ये वेबसाइट तो बहुत ऊंचा जा सकती है। कहीं ना कहीं दो तरफा आपको सोचना चाहिए, एक तो ऊंचा जा सकती है चलो ठीक है पॉजिटिव सोच लिए, नेगेटिव बहुत सोचना है। तो मैं आज इस कंपनी का आपको नेगेटिव पार्ट बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कंपनी आपका पैसा ले जा चुकी है ऑलरेडी, और कोई भी बंदा अगर इसमें सीड फ्रेज लिखता है तो समझ लो कि आने वाले टाइम में अगर वो $1,00,000 कमाए, $2,00,000 कमाए, $50,00,000 कमाए, तो वो सारे के सारे डॉलर ये कंपनी निकालने वाली है। तो भाई बड़े ध्यान से चलना और अपनी रिसर्च कर लेना। भाई मैं तो अपनी रिसर्च करता ही हूँ, जो मेरे से किसी ने मतलब ये समझ लो कि 3 महीने पहले किसी ने 2-3 बार पूछा था, उसके बाद मैं इस वेबसाइट को देखा था, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे 3-4 व्यूअर्स हैं, उनके पास भी होल्डर्स हैं, मतलब वो होल्डर्स हैं इसके इनके टोकन के, और उन्होंने कहा प्लीज इसको चेक कर लीजिए, उनको हो सकता है कुछ डाउट हुआ हो, उन्होंने मेरे को बोला हो, तो मैंने ये चेक किया तो मुझे ये पूरी डाउटफुल लगी और ये पूरी दाल ही इनकी काली लगी। तो बड़े बच के चलो, और इसको नहीं किसी को भी अपना सीड फ्रेश नहीं दे देना, बड़ा संभाल के रखना है। तो ये छोटा सा एजुकेशनल वीडियो था दोस्तों आपके लिए, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो,
टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होता है कि आपके कुछ डाउट्स होते हैं ना, हम लोग बड़े इजीली क्लियर कर देते हैं। और हाँ, एक और छोटी सी बात है, यूट्यूब के ऊपर जो आप पूछते हो ना कि ये टोकन कितना जाएगा, वो मैं यूट्यूब के ऊपर कभी भी आंसर नहीं करता कि ये टोकन कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा, बिकॉज यूट्यूब यू नो एक एजुकेशनल हब है। हम एजुकेशन देते हैं किसी को, उसको कभी भी हम सलाह नहीं दे सकते कि भाई यूट्यूब पे कि भाई ये टोकन इतना जाएगा और इसमें पैसा लगा दो। हम हमारे कोई भी वीडियो में कभी किसी तरह की ऐसी सलाह नहीं दी जाती, वो हमारी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती, वो आपके अपना अपनी रिसर्च होती है, आपने उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।